पंजाब सिंध बलोचिस्तान में 82,000 घोष मुलाजमीन का इंकशाफ। मुल्की खजाने को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। 22 ऐसे स्कूलों में भर्तियां हुई जो मौजूद ही नहीं। 32,700 नौकरियां रिश्वत लेकर दी गई। सिंध में 4 अरकान असम्बली के 56 रिश्तेदार तनख्वाह लेते रहे। आरपीओ मोहम्मद उमर शेख का थाना कोट दद्दू के इलाके का दौरा। मुहर्रम अलहराम के सिलसिले में तमाम 40 और इनके रूट्स को भी चेक किया। थाना कोट दद्दू का रिकॉर्ड और फ्रंट डेस्क को भी चेक किया। थाने की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। फोर्ट अब्बास के नवाही चक 209 R में जमीन के तनाजे पर झगड़ा। झगड़े में डंडों और आहिनी राडों का इस्तेमाल किया गया। एक शख्स को आहिनी राड से मार मार कर दोनों टांगे तोड़ दी। जख्मी शख्स को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद बहावलपुर रेफर कर दिया गया। दरिया खान में थाना सिटी के SHO अहमद अब्बास की जेर सदारत मीटिंग। महरम हराम के सिलसिले में अमन कमेटी, अंजमन ताजरान और ताजिया लाइसेंस दारान से मीटिंग। मीटिंग में स्पेशल ब्रांच से मुख्तियार अहमद, सिक्योरिटी ऑफिसर अब्दुल सत्तार और दीगर भी शरीक थे। जुलूसों और रूट्स के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। सांगढ़ में डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद मेमन का अचानक सिविल अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर के आते ही अस्पताल इंतजामिया की दौड़े लग गए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। अस्पताल में सेहत सफाई के नाकिस इंतजाम देखकर अमले को खूब झाड़ा। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के इंतजामिया को वार्निंग देते हुए अस्पताल की हालत दुरुस्त करने की हिदायत की। DSP कोट दद्दू शाह आलम का थाना दायरा दीन पनाह का दौरा। थाने के फ्रंट डेस्क का मुआयना किया और रिपोर्ट चेक किया। SHO अजहर हैदर को अवामी मसाइल फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुहर्रम अलहराम के हवाले से थाने के अमले को खसूसी ब्रीफिंग दी। शहर से गुजरने वाले मातमी जुलूसों के रूट्स का भी जायजा लिया।